अच्छा नहीं बातें करे। खेसारी भैया और पवन भैया एक साथ मंच पर कहिया दिखाई दी लोग। अभी तुम कैसे पूछे परी बड़ू हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मान के चलिए कि पहले मनोज भैया आए भोजपुरी में, फिर अभी भैया आए, दिनेश भैया आए, वो आए, फिर मैं आया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब वह ना बताएंगे, जैसे दिनेश भैया बोले उस हिसाब से हम किए, रवि भैया बोले किए, मनोज भैया बोले किए, तो पहले वो बोले जहाँ कब हम लोग को आना है। तो हमारा हमारा में कहता हमारा कौन भेज अथी करेगा भाई, सुफारी सेट बनेगा भाई, हम तो कब हाफो पैंट पर निकल जाएंगे। यही बात से एक सवाल बा, पहले मनोज भैया, रवि भैया, अब दिनेश भैया राजनीति में का एक करीब पवन भैया की खेसारी भैया। हम तो नहीं खिया वाला, हो सकेला जो हुआ बस जे उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगेला। मैं बुढ़ा गिल बना का अब हम ही तो नहीं खी का नहीं तो उम्र भाई हमको फंसा रहे हैं, फंसिए बस खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं, ये निकाल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं तो 16 साल के नहीं खन। हां सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सी। राजा जी लड़का नहीं कहा भाई, हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना कर। हम मजा ले रहे हैं कि मंच है, मजा सब लोग ले रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सब लोग इकट्ठे नजर